देशों, प्यारे बच्चों, हम मुक्ति के राह पर छठवीं क्लास पहुंच गए। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनता जिसने ईसा का अनुभव किया। अपना पढ़ाई शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु से आशीष मांगे, मन में प्रार्थना करें। सब अपना आंख बंद कर हाथ जोड़ के दिल में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जी हाँ बच्चों, क्लास छठवीं में हम पढ़ते हैं जनता जिसने ईसा का अनुभव किया। इस क्लास में आप लोगों को 15 अध्याय है पढ़ने के लिए। इसका पहला अध्याय है भविष्यवाणियां पूरी हो जाती है। भविष्यवाणियां जो आने वाला समय में कुछ घटना होते हैं उसी के बारे में बोलता है। हम पुराना विधान में कई जगहों पर भविष्यवाणियां सुनते हैं, ये एक मुक्तिदाता का आगमन के बारे में। गैब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम के पास आकर कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। ईश्वर के दूत गलीलिया के नजरत नामक नगर में एक छोटे घर में दिखाई दिया। वहां एक कुवारी थी जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम क्या है, कौन बोलेंगे? जी, मादा मरिया। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद की सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकते हैं? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये कहां दिया है? संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 28 से 35 तक वचनों में। हम ये सब घटनाएं रोजरी माला का कौन सा भेद में याद करते हैं? जी हाँ बच्चे, आंत का भेद में। ये सुनकर और समझकर मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। संत लूकस अध्याय 1 पसंगिया 38। जब ईश्वर की इच्छा के लिए मरियम ने कहा हाँ कहा, उसी क्षण वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और शब्द ईश्वर ने उसके गर्भ में मनुष्य का रूप धारण लिया। देखो, सदियों से लोग इंतजार में रहते थे एक मुक्तिदाता का आगमन के लिए।
इस घड़ने के द्वारा स्वर्ग से ईश्वर धरती पर आ गए। यीशु के जन्म का बारे में इसहाक नबी ने लिखा है, अध्याय 7 पद संख्या 14 में, एक कुवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल लिखेगी। बच्चों, क्यों एक मुक्तिदाता का अवश्य आ पड़ा? हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, आदि माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया। आज्ञा उल्लंघन के लिए ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। आदन वाटिका से उन्होंने बाहर निकाल दिया। ईश्वर ने दंडाज्ञा के साथ साथ मुक्ति की प्रतिज्ञा भी की, इसलिए एक मुक्तिदाता इस धरती पर आया। इसी का विवरण संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यूसुफ दाऊद के घराना और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गए, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। जब वे बाहर थे, मरियम का गर्भ के दिन पूरा हो गए। रात रुकने के लिए इसलिए यूसुफ ने कई जगह ढूंढते ढूंढते चल पड़े, पर किसी ने उनको माँ मरियम को देखे रहने का जगह नहीं दिया। बच्चों, ईश्वर भी हमारे जीवन में आने के लिए खटखटाते हैं अपना दिल का दरवाजे पर हम अपने खुशी के लिए ईश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए इनकार करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में नहीं आ पाते हैं। देखो, इस दुनिया का रचयिता रचने वाला ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, इनका जन्म कहाँ हुआ है? कहीं राज्य का महल में था? नहीं। कहीं अमीर लोगों के घर में था? नहीं। यीशु का जन्म गरीबीपन का सबसे नीचे एक गौशाले में, एक घर भी नहीं मिला, एक कमरा भी नहीं मिला। मतलब जितने भी गरीब लोग हैं यीशु के पास आ सकते हैं। कोई भी यीशु का प्यार से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इतना अपने को नम्र कर विनीत कर एक गौशाला में उनका जन्म हुआ। ये पिता ईश्वर का बड़ा प्यार का दिखावा है। यीशु का जन्म का संदेश सबसे पहले किसको मिला था?
किसी अमीर व्यक्ति को या वहां का राजा को मिला था या कोई सोल्जर्स को मिला था? नहीं, ये सबसे पहले मिला चरवाहे लोग, वो साधारण जीवन बिताने वाला निष्कलंक लोग थे। उनके पास स्वर्गदूत आकर बताया, हम चरवाहे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर, राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म। ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करते थे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। संत लूकास अध्याय 2 पद संख्या 14। जी, हम कहाँ पर ये स्तुतिगान सुनते हैं हमारा प्रार्थना में? कौन बोलेंगे? जी, पवित्र बलिदान के प्रारंभ में हम यह स्तुतिगान सुनते हैं, गाते हैं। जो लोग शुरुआत पवित्र मिसा बलिदान शुरुआने के बाद 10-15 मिनट के बाद में आने वाले को ये उत्तर नहीं मिलेगा। देखो बच्चे, ईश्वर का आनंद हमारे जीवन में आना है तो पवित्र मिसा बलिदान में शुरुआत से लेकर भाग लेना है। यीशु का जन्म के समय और भी घटना हो गए थे। पूर्व देश में एक नया तारा उदित हो गए। वो तारों को देखकर पूर्व से ज्योतिषी लोग यीशु को दंडवत करने के लिए वहां से निकल पड़े। उन्हीं लोग ईसा की तलाश में यरूशलेम पहुंच गए। ये तारा उनको रास्ता दिखाई देते हुए उनके आगे आगे चलते थे। जब इन लोग ईसा की तलाश में राजा हेरोदेस के महल पहुंचे तब ये तारा गायब हो गए। क्यों ये तारा नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इन्हीं लोग उसी समय सोचते थे यहूदियों का राजा का जन्म है, इसलिए राजा है तो एक राजमहल में जन्म होते होंगे। अपना बुद्धि को उन लोग उपयोग किया। उस समय पहले ईश्वर की आज्ञा के अनुसार तारा को देखकर उन लोग निकले थे, इसलिए बहुत दुर्घटना उसी के द्वारा हो गया है। इन लोग हेरोदेस को ये पूछते समय हेरोदेस घबरा गया और महायाजकों को बुलाकर पूछताछ किया, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन लोगों ने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, नबी ने लिखा है बेतलहम यहूदा की भूमि तो यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा बनेगा। तब हेरोद ने इन लोगों को बताए, जाइए बालक का टिक टिक पता लगाइए
और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। हेरोदेस कैसे दंडवत करेंगे? गला काट के, क्योंकि कोई भी राजा अपना कुर्सी को खिलाने वाले को जीने देगा? नहीं देता है। देखो, ये ज्योतिषी लोग वहां नहीं जाते तो ये सब नहीं होते थे। इन लोगों का मानसिक विचार के अनुसार उन लोग काम किया, तब ये घटना हो गए थे। जब उन लोग बाहर निकले, वह तारा उनके आगे आगे चलता रहा। जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर वह ठहर गए। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हो गया था। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उनको भेंट चढ़ाई। ये ज्योतिषी लोग कितना जन था? 3 जन। उन्हीं लोग क्या क्या भेंट चढ़ाए थे? एक ने सोना और दूसरा लोभान और तीसरा गेंद्रस। सोना मतलब ईश्वर इस दुनिया का राजा है, और लोभान यीशु महापुरोहित है, नित्य पुरोहित है। गेंद्रस इनका पीड़ा सहन का बारे में, मृत्यु का लेपन के लिए उपयोग करते हैं। सॉरी, गेंद्रस तो महापुरोहित का और लोभान लेपन के लिए उपयोग करते हैं। यीशु का रूस्मरण का याद करते हैं। जी हाँ, ईश्वर का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इतिहास को भी 2 भागों में बटा दिया। क्या है? एडी और बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब अन्नो डोमिनी। एक लैटिनिक शब्द है, इसका अर्थ है प्रभु का वर्ष। सीरो मलबार कलीसिया के आराधना क्रम के वर्ष के भिन्न भिन्न काल होते हैं। यीशु का जन्म उसी से जुड़े हुए सभी कार्यों के बारे में सुसंदेश काल में हम मनन चिंतन प्रार्थना करते हैं, और जयंती काल में यीशु का जन्म के बारे में। सुसंदेश काल में हम याद करते हैं मनुष्य की सृष्टि, पाप और उसका परिणाम, पुराने विधान में ईश्वर के मुक्तिदाता एक हस्ताक्षेप, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां, जकरियास को प्राप्त समाचार, कुवारी मरियम को दिया हुआ शुभ संदेश, मरियम का एलिजाबेथ के मिलन, मरियम का स्तुतिगान, यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म, संत यूसुफ को मिला सूचना। और जयंती काल में हम याद करते हैं प्रभु ईसा का जन्म, चरवाहों एवं ज्योतिषियों की भेंट, प्रभु ईसा का नामकरण, मंदिर में प्रभु ईसा का समर्पण, नाजरत का पवित्र परिवार, प्रभु ईसा का रहस्यमय जीवन। जी हाँ, मसीह जयंती कौन सा तारीख को हम मनाते हैं? 25 दिसंबर को। वो पर्व को हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस बोलने से भी आपको चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, मालूम है। उसी दिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। 25 दिन बिंदी उपवास करके आत्मीय रूप से तैयारी करते हैं, और बाह्य रूप से चरणी बनाते हैं, और क्रिसमस के 1-2 दिन पहले
डुमडुम बजाकर आते हैं ना, हाँ वो करोल सिंगिंग वाला आते हैं, और उसी दिन हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे खाने उस दिन मिलते हैं जी। इस दिन हमारा सबसे खुशी का दिन है, इसलिए प्यारे बच्चों हम कभी हमारा जीवन और जन्म दिवस मनाने इस सब बातों में कोई भी दुख और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम ईसाई है तो ईसा का अनुकरण करना है। इस पाठ से हम कई चीज सीख लिया है बच्चों, आपको याद करने के लिए मैं एक वचन दे रहे इस पाठ से, संत लूकास अध्याय 1:38, किसी को याद है? देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। और आप लोग अगले क्लास में आने के पहले तीन प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और लिखिए और याद करिए। प्रभु ईसा के जन्म का स्मरण करते हुए हम पवित्र बलिदान में कौन सा गीत गाते हैं? और दूसरा, ज्योतिषियों ने ईसा को क्या क्या चढ़ाए? तीसरा, सुसंदेश काल में हम कौन कौन सी घटनाओं का स्मरण करते हैं? बच्चों दो प्रायोगिक भी आपको मैं दे रही हूँ। एक तो क्रिसमस की तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, दूसरा रोज रोजरी विंदीमाला बोलना है, और आंत का भेद और दूध संवाद याद करना है, करेंगे ना जी? जयसु, हम अच्छे अच्छे बातें सुने, ईश्वर का वचन सुने, इस सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद का इस गीत के द्वारा। धन्यवाद के साथ स्तुति गा।